एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक पम्बासा में स्थित गोविंदपुर गांव पड़ा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 8 किलोमीटर है तो वहीं जिला मुख्यालय से यह गांव 22 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान समय में ग्रामवासियों ने रफत जहां को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। लगभग 7000 की आबादी एवं 2500 वोटरों वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। गांव में 600 राशन कार्ड धारक लाभार्थी हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गांव की प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में लगभग 210 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 42 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 10 हैंडपंप रिपोर कराए गए हैं। विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 105 विद्युत पोल, 3 विद्युत ट्रांसफार्मर व 13 सोलर लाइट भी लगी हुई है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की करें तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 6 सीसी टाइल्स रोड, 4 खडंजे, पानी निकासी के लिए नाली व पंचायत घर का निर्माण कराया है। साथ ही वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 106 इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 22 आवासों का भी निर्माण कराया है। वहीं एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने सीसी टाइल्स रोड, खडंजा, पानी निकासी के लिए नाला, स्वास्थ्य केंद्र, पानी की टंकी, कन्या इंटर कॉलेज, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 100 आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि फॉर्मेशन ब्लॉक पम्बासा गोविंदपुर से। हमारे गांव में जो है हमने काफ़ी अच्छा काम किया है, ब्लॉक लगाए हैं, प्योर ब्लॉक है, स्ट्रीट लाइट है और सोलर लाइट है। जो भी केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से जो भी पैसा है वो तो पूरा गांव में लगा है। और जैसे कि अभी हमारे स्कूल जो है बच्चों का स्कूल है, उसमें भी काफ़ी अच्छा पैसा लगा है। बाथरूम वगैरह, टॉयलेट वगैरह हमारे स्कूल में बहुत ही अच्छी से काम करा है। वहाँ पर पूरा कम्प्लीट हो गया है। बाकी भी लोग वहाँ से जो भी सचिव वगैरह आते हैं, यहाँ पे सभी लोग भी यहाँ पर मीटिंग होती है। जितने भी अभी तक लोग पवासा में जितने भी गाँव हैं, सबसे बेस्ट हमारा स्कूल है। लेकिन गाँव में एक बड़ी समस्या है कि यहाँ पर इंटर कॉलेज नहीं है। इंटर कॉलेज न होने की वजह से बच्चों को शहर में जाना पड़ता है और शहर की भी हालत इतनी बुरी है कि यहाँ पर ना कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है ना कोई मेडिकल कॉलेज है। यहाँ कोई भी नेता ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर कोई मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलाते हैं। यहाँ पर गाँव से आते शहर का और गाँव में जो है सब कुछ, बाकी जितना भी राज्य सरकार से पैसा आ रहा है सब बहुत अच्छे से लग रहा है। गाँव में अभी भी काफ़ी पैसे की ज़रूरत है। कुछ जो भी सड़कें बची हैं उसके लिए सीसी या सीसी की जो भी सड़कें हैं, बाकी ये ड्रेनेज सिस्टम पूरा बेकार है। कहीं पानी का जाने के लिए भी रेन वाटर है या ड्रेनेज सिस्टम है कुछ भी अभी है नहीं, उसके लिए काफ़ी पैसे की ज़रूरत है। गांव में एक पानी की टैंक होना चाहिए, पानी की टंकी लगनी चाहिए जिससे कि पूरे गाँव में पानी सप्लाई हो सके। पानी की टंकी है जैसे, और बाकी इंटर कॉलेज का मैंने बताया वो भी अभी तक उसकी उसका ऐसा कुछ भी नहीं। राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से कुछ भी पैसा नहीं आया मतलब। और हेल्थ को लेके यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम है, हर किसी को शहर जाना पड़ता है। गांव में कोई भी ऐसा मेडिकल जो है या कोई भी डॉक्टर की यहाँ पर फैसिलिटी नहीं है कुछ भी। बाकी हर सब कुछ जो है यहाँ पर जितना भी सरकार से पैसा आ रहा है बाकी सब अच्छे से लग रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी भी बहुत सारी समस्याएँ हैं जो राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट को देखने की ज़रूरत है, ताकि हम जो है यहाँ पर अच्छे से अच्छे काम कर सकें। मैं शरम सिंह ग्राम पंचायत गोविंदपुर में रोजगार सेवक के पद पर तैनात हूँ और हमारे ग्राम पंचायत में बहुत अच्छे सराहनीय काम हुए हैं। जब से प्रधान जी श्रीमती रफत जहाँ प्रधान बनी हैं उस समय से हमारे ग्राम पंचायत में बहुत बदलाव आया है। सड़कें, स्कूल, पंचायत घर बहुत बढ़िया तरीके से अच्छे अच्छे कार्य करके चमका दिए गए हैं और अच्छे बच्चे अब हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, बहुत अच्छी शिक्षा लेके जाते हैं। और हमारे गांव में जितनी धनराशि सरकार द्वारा दी जाती है उसका 100% यूज हमारे प्रधान जी सड़कों, नालियाँ और लाइटें लगवाने के और गांव को स्वच्छ करने के लिए यूज करते हैं। हमारे गांव ODF हो चुका है पूरी तरीके से, हमारे यहाँ कोई भी शौचालय के लिए नहीं जाता है, जो सरकार की मेन और सबसे अच्छी योजना है जिसके तहत गांव को शौच मुक्त करना है। वो हमारे प्रधान जी ने एक ही साल में लक्ष्य से पहले कर दिया है
और बहुत ही अच्छा काम किया है जिससे हमारे गांव में कोई भी शौच के लिए गांव से बाहर नहीं जाता है। मेरा नाम रजत कुमार, राम गोविंदपुर जिला संभल निवासी हूँ। हमारे राम गोविंदपुर में प्रधान जी द्वारा बहुत कार्य चल रहा है। प्राइमरी विद्यालय में जो जी बहुत अच्छा है, टाइलें लगाई रही हैं, टॉयलेट बनाए रहे हैं, समर सेविल चल रहा है और टंचे लगाई रही हैं बच्चों के लिए और बहुत ही अच्छा सौंदर्य दिया रहा है इसके लिए। मैं गोविंदपुर का रहने वाला हूं और मेरा नाम कल्लू है, ब्लॉक पमा से। और जो हमारे प्रधान जी हैं आरिफ प्रधान जी, उन्होंने हमारे गांव में बहुत अच्छा विकास करा है, बहुत अच्छा काम करा है। हमारा टूटा फूटा मकान है साहब, ये मकान बनवा दिया, हमारा आवास बनवा दिया और हमारे गांव में लाइनें खिंचवा दी। इतना काम किसी भी प्रधान ने आज तक नहीं कराया हमारे गांव में, जो क्या आरिफ प्रधान जी ने विकास का काम करा है हमारे।